हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आप सबके रिक्वेस्ट में आज लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो कॉल पर्सन कॉपिशियन के बारे में जिसको कोरिलेशन कॉपिशन भी बोला जाता है तो आज सिखाऊंगा कोरिलेशन कोपिशेंट कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे कोरिलेशन कॉपिशंट जिसको कालपर्सन कोपिशन भी बोला जाता है ठीक है तो आपके एग्जाम में काल पर्सन कॉपिशेंट ऑफ कोरिलेशन बोला जाए या कैलकुलेट कोरिलेशन कॉपिशेंट बोला जाए तो सिंपली आप लोग जो आगे प्रोसेस सिखाऊंगा वो कर लेना कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी तरह से कर लेंगे तो काल पर्सन कॉपिशेंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा कोरिलेशन कॉपिशन का भी आंसर आ जाएगा दोनों का मतलब एक ही है तो आज सिखाऊंगा आप लोग ने कमेंट किया था सर कोरिलेशन कॉपिशन सिखा दो बाय यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला से तो वही सिखा दूंगा अगर एग्जाम में आपको बाय यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है फिर भी इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है और एक बात बता दूँ हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सपोर्ट कर देना तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये टेबल जो है यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई के टर्म में दिया हुआ है कभी नंबर ऑफ़ फ्लावर नंबर ऑफ़ प्लांट दे देता है ठीक है यहाँ पे कुछ नाम दे देगा और यहाँ पे नाम दे देगा तो उसको मान लेना एक्स एक मान लेना वाई तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक टेबल बना लेंगे चलिए सोल्यूशन में एक टेबल बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग इस तरह का सात टेबल बना लेना जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है इस तरह का टेबल आप लोग बना लेंगे ठीक है एग्ज़ाम में इस तरह का टेबल आपको हमेशा बना लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की वैल्यू है एक वाई की वैल्यू है तो उसी के अनुसार हम लोग टेबल फिलअप कर लेंगे यहाँ पे एक्स वाई है तो वही नाम देता हूँ मैं x और एक कैपिटल y है तो y दे देता हूँ ठीक है अब एक दूंगा स्मॉल x का ठीक है स्मॉल x इज इक्वल टू हम लोग एक देंगे x माइनस एक्स बार का टेबल बनाएंगे इस तरह से एक बनाएंगे स्मॉल y इज इक्वल टू ठीक है y माइनस वाई बार का y माइनस वाई बार का बनाएंगे उसी तरह से एक बनाएंगे एक्स स्क्वायर का टेबल इसका स्क्वायर का बनाएंगे उसके बाद वाई स्क्वायर का एक टेबल बनाएंगे स्मॉल वाई स्क्वायर का और एक बनाएंगे इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का तो आप लोग एग्जाम में कैसा भी टेबल हो बस ये टेबल आपको याद रखना है हमेशा बनाना ही होगा क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आए कहीं से भी आए आपको ये टेबल याद रखना है कि यही टेबल आप लोग को एग्जाम में बनाना है अगर आपका क्वेश्चन कोरिलेशन कॉपिशन का आया हुआ है या काल पर्सन कॉपिशन का आया हुआ है तो ये टेबल बना लेंगे ठीक है इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू ट्वेल्व नाइन एट टेन इलेवन है एक्स की वैल्यू वही रख दूंगा मैं टूवेल नाइन एट टेन और लास्ट का जो वैल्यू है इलेवन ठीक है वाई की वैल्यू जो टूवेल्व एट सिक्स नाइन टेन है वो भी रख दूंगा मैं टूवेल्व एट सिक्स नाइन टेन और यहाँ पे जो यहाँ पे हम मैंने ये जो डेटा है यहाँ पे फिलअप कर दिया ठीक है यहाँ पे फिलअप करने के बाद स्मॉल एक्स का वैल्यू क्या है एक्स माइनस एक्स बार करके निकालना है एक्स बार पहले निकाल लेते हैं हम लोग एक्स बार किस तरह से निकालेंगे चलिए नीचे आपको देता हूँ सो पहले हम लोग समेशन एक्स निकाल लेते हैं तो समेशन एक्स का मतलब क्या होता है इन सभी नंबरों को जोड़ देंगे एक्स की जो वैल्यू है ट्वेल्व प्लस नाइन प्लस एट प्लस टेन प्लस इलेवन करेंगे तो हमारा फिफ्टी आ जाएगा ठीक है अब एन की वैल्यू निकाल लेते हैं एन का मतलब है ये कितना टेबल है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टेबल है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फाइव लिख देंगे ठीक है सो एक्स बार निकाल लेंगे जिसको मीन भी बोला जाता है ठीक है मीन को एक्स बार बोला जाता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेसन एक्स डिवाइड बाई एन समेसन एक्स हमारा कितना है फिफ्टी डिवाइड बाई एन कितना है हमारा फाइव कितना आ गया टेन ठीक है सो ये टेन जो है एक्स में से ये टेन को घटाना है इसका मतलब क्या है एक्स माइनस एक्स बार है ये ट्वेल्व माइनस टेन करेंगे टू आ जाएगा नाइन माइनस टेन करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा एट माइनस टेन करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा टेन माइनस टेन करेंगे तो जीरो इलेवन माइनस टेन करेंगे तो वन आ जाएगा इस तरह से निकाल लेंगे सिमिलरली वाई स्मॉल वाई का नहीं मतलब है वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार निकालना है तो इसका भी हम लोग समेशन वाई कर लेते हैं ठीक है इसका मैं यहाँ पर समेसन कर देता हूँ तो मैं यहाँ पर समेसन वाई लिख देता हूँ ठीक है ये वाई का समेसन करेंगे समेशन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस एट प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस टेन करेंगे तो हमारा फोर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है अब इसके लिए n भी कितना है फाइव है वन टू थ्री फोर फाइव एन हमारा कितना है फाइव है सो so, वाई बार निकाल लेंगे ठीक है इसका भी मीन निकाल लेंगे वाई बार तो यहाँ पे वाई बार लिख देता हूँ वाई बार का फॉर्मूला हो गया समेशन वाई डिवाइड बाई एन समेशन वाई कितना है फोर्टी फाइव आपको पता ही होगा फोर्टी फाइव कैसे आया ट्वेल्व प्लस एट प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस टेन करेंगे तो फोर्टी फाइव आ जाएगा इसी तरह से आप लोग निकाल लेना एन हमारा कितना है फाइव है किस तरह से आया फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टेबल है तो फाइव से डिवाइड कर देंगे फाइव फोर्टी फाइव डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ से नाइन आ जाएगा ठीक है सो so, ये नाइन जो है अब ये नाइन क्या करेंगे टवेल्व माइनस नाइन करेंगे ट्वेल्व माइनस नाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री एट माइनस नाइन करेंगे एट माइनस नाइन करेंगे तो माइनस वन सिक्स माइनस नाइन करेंगे तो माइनस थ्री नाइन माइनस नाइन करेंगे तो जीरो टेन माइनस नाइन करेंगे तो वन हो जाएगा क्यों क्यों किया मैंने क्योंकि वाई माइनस वाई बार है वाई हमारा टूवेल्व है वाई बार हमारा नाइन है टूवेल्व माइनस नाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री इस तरह से आप लोग निकाल लेना इस तरह का डेटा आएगा तो अब एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे ठीक है इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर हो जाएगा फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे ठीक है जब इसका माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा फिर माइनस टू का स्क्वायर कर लेंगे तो फोर हो जाएगा जीरो का स्क्वायर कर लेंगे तो जीरो वन का स्क्वायर कर लेंगे तो वन हो जाएगा अब का वाई का स्क्वायर करना है स्मॉल वाई का स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा वन माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन फिर जीरो का स्क्वायर कर लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा वन का स्क्वायर कर लेंगे तो वन हो जाएगा अब वाई है ठीक है वाई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है टू थ्री जा सिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री करेंगे तो सिक्स हो जाएगा ज़ीरो इंटू ज़ीरो करूँगा तो ज़ीरो वन इंटू वन करूँगा तो वन हो जाएगा अब आपको समेसन निकालना होता है तो चलिए आपको दूसरा पेंसिल यहाँ पर पे दिखायाता हूँ इसका समेसन निकालेंगे तो समेसन एक्स स्क्वायर कर लेंगे सभी नंबरों को जोड़ देंगे फोर प्लस वन फाइव प्लस फोर नाइन प्लस वन टेन हो गया फिर इसका भी सम निकाल लेंगे समीशन स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस वन टेन नाइन प्लस वन टेन ट्वेंटी हो जाएगा फिर इसका सम निकाल लेंगे समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स प्लस वन सेवन सिक्स प्लस वन सेवन फोर्टीन हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग फोर्टीन लिख देंगे जो आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा है अब हम लोग बाय यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को क्या निकालना था क्वेश्चन पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर निकालेंगे कैलकुलेट कोरिलेशन कॉप्शन निकालना है और कॉलपर्सन कॉप्शन निकालना है किस मेथड से बाई यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला तो इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं चलिए चलिए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे सो so, मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखूंगा सो क्या लैंग्वेज लिखता हूँ एक ठीक है आप लोग भी इसी तरह से निकाल लेना बाई यूजिंग बाई यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला ठीक है फॉर्मूला वी हैव जो कोर्डिलेशन कॉपिशन का फॉर्मूला है यहाँ लिख देता हूँ को रिलेशन कोपिशेंट ठीक है कोर्डिलेशन कॉपिशन को काल परसेंट कोपिशेंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है सो कोरिलेशन कॉपिशन को डिनोट करते हैं आर से ठीक है इसका बाई यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला में आता है समेसन एक्समॉल एक्स वाई डिवाइड बाई रूट अंडर समेसन स्मॉल एक्स स्क्वायर फिर से रूट अंडर मल्टीप्लाई करके समीशन वाई स्क्वायर ये फार्मूला होता है ठीक है आप लोग जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये फार्मूला होता है सो so, वैल्यू किस तरह से निकालेंगे लेंगे समेसन एक्स वाई हमारा कितना है यहाँ पे देख सकते हैं चलिए समेसन एक्स वाई हमारा कितना है फोर्टीन है फोर्टीन कर दूंगा डिवाइड बाई रूट अंडर समेसन एक्स स्क्वायर कितना है हमारा रूट करके टेन है तो यहाँ पे मैं टेन लिख देता हूँ मल्टीप्लाई सब मिशन वाई स्क्वायर कितना है रूट में वाई स्क्वायर ट्वेंटी है तो ट्वेंटी लिख देता हूँ ठीक है यहाँ पे कितना है फोर्टीन डिवाइड बाई रूट टेन इंटू रूट ट्वेंटी तो इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो कितना आ जाएगा जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा चलिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे देख सकते हैं फोरटीन डिवाइड बाई रूट टेन है रूट टेन कर दूंगा उसके बाद मल्टीप्लाई है रूट ट्वेंटी है तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा जीरो पॉइंट नाइन एट नाइन नाइन तो यहाँ पे लिख दूंगा जीरो पॉइंट नाइन एट नाइन नाइन आप लोग जीरो पॉइंट नाइन एट भी लिख सकते हैं आंसर जीरो पॉइंट नाइन नाइन भी लिख सकते हैं सिर्फ ठीक है पॉइंट के बाद दो नंबर लिख सकते हैं चार भी लिखेंगे तो कोई डिफिकल्ट आपको नहीं होगी तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बाय यूजिंग मोमेंट फार्मूला से न बोल के कुछ भी सीधे बोलेगा आपका कैलकुलेट कोरिलेशन रिलेशन तो आप लोग इस तरह से ही बना लेंगे तो आंसर एकदम राइट आएगा ठीक है तो आप लोग को ये बाय यूजिंग मोमेंट फार्मूला दे या ना दे इस तरह से बना लेंगे तो ईजी भी होगा ये बहुत ही आसान सा तरीका है सो तो आप लोग कैलपोशन कोवेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं इस तरह से जो मैंने सिखाया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय